हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते। इसका रीजन ये है, जैसे हमने एल की वैल्यू क्या निकाली थी, एल की वैल्यू निकाली थी एल एक्स एल वाई, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड, ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है, अब मैं एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यू एक साथ मेजर नहीं कर सकता। मेजर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। जैसे हमने इनका कोम्यूटेशन रिलेशन पढ़ा था, एल एक्स का मैंने एल वाई के साथ कोम्यूटेशन रिलेशन निकाला था, ये क्या आया था, आयटा एच कट एल जेड आया था। अब ये जो कोम्यूटेशन रिलेशन है ये फिजिकली अपने को क्या बताता है, इसके ऊपर हमने पहले बात नहीं की पर अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये कोम्यूटेशन रिलेशन अपने को ये बता रहा है, जो एल एक्स और एल वाई, अगर मैं इन दोनों को एक साथ मेजर करने की कोशिश करूंगा तो इनके अंदर कितना अनसर्टेनिटी आएगी, आयटा एच कट एल जेड, इतनी अनसर्टेनिटी इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ मेजर करने में आ जाएगी। ठीक है, दूसरा रिजल्ट हमने निकाला था एल स्क्वेयर का, अगर मैं एल जेड के साथ कोम्यूटेशन रिलेशन निकालता हूं तो ये कितना आएगा, जीरो आएगा। अब जीरो आने का मतलब क्या है, एल स्क्वेयर और एल जेड ये दो क्वांटिटी है, अगर इन दोनों क्वांटिटी को मैं साइमेंटेनियसली अगर मेजर करूंगा तो उनके बीच में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो कितना आएगी, जीरो आएगी। मीन्स इन दोनों क्वांटिटी को मैं एक साथ 100% एक्यूरेसी से मेजर कर सकता हूं, पर इन दोनों क्वांटिटी को मैं एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकता। उसके अंदर कितना अनसर्टेनिटी आएगी अपने पास, आयोटा एच कट एल जेड, इतना अनसर्टेनिटी अपने पास आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो अपने पास एल एक्स है एल वाई है एल जेड है इनको हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कुछ ना कुछ इनके अंदर क्या आएगी, अनसर्टेनिटी मिलेगी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है अपने पास, डेल एल एक्स डॉट डेल एल वाई, ये कितना मिलेगा अपने को, एल एक्स और एल वाई ये अपने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर निकाल चुके हैं, आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एल एक्स है एल वाई, एल एक्स एल वाई के साथ कम्यूट करके कितना दे रहा है अपने को, आयोटा एच कट एल जेड दे रहा है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आयोटा एच बार एल जेड डिवाइड बाय टू और ये साथ में मोड। ठीक है, अब अगर मोड हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच बार बाय टू एल जेड। ठीक है, इधर डेल एल एक्स और डेल एल वाई, ये वाला रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। मीन्स अगर मैं दोनों क्वांटिटी को एक साथ मेजर कर रहा हूं तो उसके अंदर अपने को कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम एल की वैल्यू निकाले कैसे, डायरेक्टली तो हम एल की वैल्यू यहां पे नहीं निकाल सकते। अब एल की वैल्यू कैसे निकाले, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा ये जो एल स्क्वेयर है ये किसके साथ कम्यूट कर रहा है, जेड के साथ कम्यूट करके अपने को जीरो दे रहा है। जीरो देने का मतलब क्या है, इन दोनों क्वांटिटी को मैं एक साथ 100% एक्यूरेसी से मेजर कर सकता हूं। ठीक है, मैं और हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं जो एल स्क्वेयर है वो एल जेड के साथ कम्यूट कर रहा है, एल स्क्वेयर किसके साथ, एल जेड के साथ कम्यूट करके कितना दे रहा है अपने को, जीरो दे रहा है। तो इन दोनों की कॉमन आइगन स्टेट होगी, एल स्क्वेयर की और एल जेड की क्या होगी, कॉमन आइगन स्टेट होगी। क्यों, क्योंकि इनका जो अनसर्टेनिटी हो कितना आ रही है, जीरो आ रही, तो इन दोनों की कॉमन आइगन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को यहां से किसका पता लग जाएगा, एल स्क्वेयर का पता लग जाएगा, यहां से एल स्क्वेयर की आइगन स्टेट आ जाएगी। अब अगर मैं इसका रूट कर दूं तो एल की आइगन स्टेट भी अपने पास यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैं इस एल स्क्वेयर को एल जेड के साथ ही इसका रिलेशन क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि एल स्क्वेयर तो एल एक्स के साथ भी कम्यूट करके कितना दे रहा है अपने को, जीरो देगा। एल स्क्वेयर एल वाई के साथ भी कम्यूट करके कितना दे रहा है, ये भी हमने बात कर ली, ये भी कितना देगा, जीरो। अब यही क्यों लिया, ठीक है बाकी भी तो ले सकते, हाँ डेफिनेटली बाकी ले सकते थे, एल एक्स के साथ भी ले सकते थे, एल वाई के साथ भी ले सकते थे, पर उसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता और एल जेड के एल जेड को सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि एल जेड ओनली फाई के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जेड एक्सिस है वो क्या होता है, क्वांटाइज एक्सिस होता है, क्वांटाइज एक्सिस होने के कारण हम इसको इजिली सोल्व
कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, जो L है उस L की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू किस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू।